तो आज मैंने 1000 रुपए का खाना ऑर्डर किया है इंडिया के सबसे पॉपुलर शेफ शेफ संजीव कपूर के रेस्टोरेंट द येलो चिली से, और दूसरी तरफ 1000 रुपए का ही खाना मैंने ऑर्डर किया है एक बहुत ही सस्ते से, एक देसी से दिल्ली के ढाबे से। तो चलिए देखते हैं क्या शेफ संजीव कपूर का रेस्टोरेंट बीट कर पाता है एक ठेले वाले ढाबे के रेस्टोरेंट के टेस्ट को। आइए तो चलिए चलो भाई। देखो हमने बेसिकली चीजें सेम रखी है, जो चीजें मुझे यहाँ पर 1000 की मिली है सेम आइटम्स मेरे को स्ट्रीट साइड में 600 रुपए में मिले। ये है शेफ संजीव कपूर जो कि पद्मश्री विनर है और जिन्होंने मास्टर शेफ को भी जज कर रखा है उनके रेस्टोरेंट से, जिनकी दिल्ली में 5 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं। देखिए हमने इससे भी ऑर्डर करा है बटर चिकन। प्रेजेंटेशन देखो कितनी ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आया है भाई, पता लग रहा है। और यहाँ पर देखो जिस नाम से, जिसकी वजह से ये रेस्टोरेंट चल रहा है ना, शेफ संजीव कपूर, उनकी बहुत बड़ी फोटो है विद देयर सिग्नेचर। ये देखो ये है हमारा लच्छा पराठा, बटर रोटी, सैलेड आई बिलीव, और ये है हमारा पनीर टिक्का। साथ में हमारे पास 2 चटनियां भी आई हैं और 1 टिश्यू पेपर भी आया है। दूसरी तरफ कंपैरिजन में हमारी स्ट्रीट साइड की पैकेजिंग भाई और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, ऐसी ही पैकेजिंग है और रेट में भी डिफरेंस है भाई। ये 600 रुपए में सारे आइटम्स आए हैं, ज्यादा कमी इन्होंने भी नहीं छोड़ रखी, इन्होंने भी एक ठीक ठाक प्रेजेंटेशन में आपको चीजें दी हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बटर चिकन की क्वांटिटी भाई बिल्कुल सेम, पहली बारी इनफैक्ट ऐसा हुआ होगा हमारी की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। ये वाला बटर चिकन है 500 रुपए का, ये वाला बटर चिकन है 250 रुपए का, हाफ द प्राइस। दूसरी तरफ ये है हमारा लच्छा पराठा और ये है हमारी बटर रोटी। और पता है क्या आपको कि शेफ संजीव कपूर बेसिकली एक बहुत पुराना शो चलाते थे जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर था, कुकिंग शो, मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर कुकिंग शो रहा होगा वो आज तक का। जिसको उसका नाम बताए कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब मेरे ख्याल से इंडिया को जिन्होंने रिप्रेजेंट कराया ना इंटरनेशनल स्केल्स पर, वो शेफ संजीव कपूर ही रहे हैं। आज इनके इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और ये इंडियन टेस्ट को मतलब रिप्रेजेंट करता है ये बंदा। ललित के टॉप नॉच शेफ को तो मेरा यार छगन हलवाई भी बीट कर देता है। अब मैंने एक चम्मच चाहिए ब्रो, ये देखो ओह कुछ इस तरह के चिकन की पीसेस है भाई, बड़ा ही क्रीमी और डिलिशियस लग रहा है मेरे को तो बटर चिकन। सच बताओ तो मेरे को आज फीलिंग आ रही है कि शेफ संजीव कपूर सबकी बैंड बजा देने वाले हैं जो भी मैदान में उतरेगा। दूसरी तरफ इनके यहाँ से जो हमने पनीर टिक्का मंगाया है ना, ये देखो वो कुछ ऐसा दिखता है भाई। अगली वीडियो में हम करेंगे शेफ संजीव कपूर वर्सेस गॉर्डन रामजे के रेस्टोरेंट का खाना, किस किस को देखनी है वीडियो लाइक कर दो इस वीडियो को फिर बनाते हैं। दूसरी तरफ ये है हमारा स्ट्रीट साइड वाला बटर चिकन, दोनों की ग्रेवी में बहुत ही जमीन आसमान का आपको डिफरेंस लगेगा और कहीं ना कहीं मुझे ये देख कर ही लग रही है कि ये सस्ते वाली ग्रेवी है, बट अगर टेस्ट बेटर है तो भाई सब बेटर है। चिकन का पीस ये रहा ना नीचे है, अच्छी क्वांटिटी है चिकन की इसमें भी। संजीव कपूर जी खुद आके बटर चिकन बनाते होंगे, हमने 1000 रुपए खर्च करे, हाँ इतना महंगा रेस्टोरेंट से खाने मंगाया बिल्कुल कटलरी। ये कंप्लेंट है मेरी, नहीं लेकिन लकड़ी वाली भी दे सकते थे, ये कंप्लेंट है मेरी संजीव कपूर जी से। अगर आप संजीव कपूर जी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगली बारी आप हमारे लिए चम्मच जरूर भेजिएगा सर। चलो टेस्ट करते हैं गाइस इनका बटर चिकन। आ जाओ संजीव कपूर जी खुद नहीं बनाते यार, पप्पू तो खुद बनाता है अपना खाना, ये तो गलत बात है यार, नाम संजीव कपूर जी का और बना कोई और रहा है। गाइस मतलब हमने दरियागंज तक का बटर चिकन खाया है और वो कितना ही निहायत ही ओवररेटेड था, लेकिन इसका टेस्ट ओ भाई कसम से कैंट, ललित के बटर चिकन को भी मेरे ख्याल से ये फेल कर रहा है भाई। नाम है तो दर्शन छोटे नहीं है, रेस्टोरेंट का नाम है तो टेस्ट भी बढ़िया है। संजीव कपूर जी पागल नहीं बना रहे लोगों को, बढ़िया लगा मेरे को टेस्ट यार, इट्स यम्मी। ये बटर चिकन में वो क्रीमीनेस भी है, वो मिठास भी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और एक परफेक्ट ब्लेंड है स्पाइसेस का, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है यार, मजा आ गया। मतलब मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट बटर चिकन है, सेहत के लिए भी अच्छा। ट्राई करते हैं इनका पनीर टिक्का। आ जाओ यार, ओवरऑल बात करी जाए तो मेरे ख्याल से संजीव कपूर का रेस्टोरेंट कहीं पर भी किसी भी एस्पेक्ट में लैक नहीं कर रहा। 1000 रुपए में चीजें भी ज्यादा मिली हैं और टेस्ट भी एक नंबर है, लेकिन टेस्ट करते हैं कि हमारा स्ट्रीट साइड क्या इसे बीट कर पाता है या नहीं। चलिए दूसरी तरफ टेस्ट करते हैं हमारा स्ट्रीट साइड वाला बटर चिकन कैसा है यार। देखो क्वांटिटी और पीसेस की बात करी जाए तो बिल्कुल टक्कर में है। यह चिकन ये भी आराम से टूट गया यार, यह ग्रेवी चलो नहीं भाई, संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में कोई तो बात है, चाहे आप कुछ भी बोलो इस वीडियो में, लेकिन जो सच्चाई है हम सच्चाई का साथ देंगे। इस बटर चिकन की जो ग्रेवी थी ना विद द टेक्सचर हुए मखमली ग्रेवी थी, बहुत ज्यादा टेस्टी थी और आई डोंट थिंक सो कि आज हमारा स्ट्रीट साइड वाला इस रेस्टोरेंट के टेस्ट को बीट कर पाया। तो इस वीडियो में मैं किसी के साथ जाऊंगा तो मैं जाऊंगा संजीव कपूर के साथ। बाकी आपकी ज्यादा प्रेफरेंस क्या रहती है, स्ट्रीट साइड या रेस्टोरेंट, कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी और इसमें मजा नहीं आया, किसी और शेफ के रेस्टोरेंट से अगर हमें ऑर्डर करना है नेक्स्ट टाइम तो वो भी बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। भाई ये तो मैं खत्म कर रहा हूँ यार।